तो भाई यहाँ करिए अपनी गाड़ी खड़ी, ये अपना होटल था पूरा, ठीक है, और ये लोकेशन है कैंपिंग की भाई। यहाँ आराम से कैंप कर सकते हो, बॉनफायर कर सकते हो, और वो बहरी सतलुज रिवर भाई देखो कितना मस्त, और भाई क्या नज़ारे हैं। अभी देखो सनसेट हो ही रहा है, हो ही गया, छुप गया अभी। रास्ता देखना कितना छोटा है, गलत रास्ते से ना आ गए हम, आए तो हम लगता सही रास्ते पे अभी। सारे भाइयों को हर हर महादेव, जय शिव शंभू। उधर पीछे बंदर सा दिख रहा है, इधर मंदिर है। तो अभी अभी जस्ट आपने पिछले वाले व्लॉग में जाखू मंदिर का व्लॉग देखा होगा मेरा, तो हम वहां से निकल रहे हैं अभी और जा रहे हैं अपने स्पीति वैली के ट्रिप के लिए, मतलब आगे वाले डेस्टिनेशन के लिए। देखो भाई कितनी नीचे आई है ना, आराम से चलाना, और भाई गाड़ी के ब्रेक होने चाहिए बिल्कुल ओके रिपोर्ट एकदम, नहीं तो बिना ब्रेक के सीधे जंगलों के अंदर। वाह, यहाँ से 450 किलोमीटर मान लो करीबन, इतनी दूर है स्पीति वैली, तो 450 किलोमीटर एक दिन में तो भाई कवर होना बहुत मुश्किल है। तो जहाँ हमारे को जगह मिलेगी ना बढ़िया सी, वहाँ लगा लेंगे अपना, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें एक्सप्लोर करना है, घूमना है, और आप लोगों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी है। रास्ता देखना कितना छोटा है, गलत रास्ते से ना आ गए हम, आए तो हम लगता सही रास्ते पे अभी। ओए होए 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 होए, नज़ारा देखना कितना मस्त लग रहा है, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, फटाफट निकालते हैं यहाँ से। खड़ी कर दी गाड़ी और ऊपर से लेकर देखोगे क्या खतरनाक देवदार के पेड़ लग रहे हो भाई साहब, ये देखो भाई साहब इतनी ग्रीनरी, मजा आ गया भाई। बहुत सारे लोग, कितने सारे बाइकर आ रखे ना भाई, मेरे को लगता सारे स्पीति वैली करने जा रहे भाई। लो तो भाई धन्यवाद कह दिया, शिमला पहुंचने, शिमला सिटी से कर दिए हैं एग्जिट, और ये अब सीधे राइट हैंड साइड जाना, देखो भाई नारकंडा के लिए राइट साइड। अब आप लोग सोच रहे हो कि नारकंडा तो निकल गया, लेकिन अभी भी कुछ बताया नहीं रुकने का भाई, रुकने का ऐसा सीन ऐसा है, हमने पीछे देखे थे वहां पर है ना, मतलब अभी तक हमारे को कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं दिखी जो खुली बिल्कुल, मतलब जहां पर हम अपना कैंप लगा सके, कोई परेशानी ना हो, ऐसे जंगल डेंस फॉरेस्ट के बीच में लगाना ना मतलब सेफ नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, दूसरा आप जितने डेंस फॉरेस्ट देखोगे ना उनके अंदर लंगूर बंदर ये सब आते हैं, तो अगर हम खाना वाना ही बनाएंगे तो हमारे को वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से अपन ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम सेफली अपना आराम से कर सके कैंपिंग। इसको क्या हो गया, लो भाई सारा गल्लू फार्म मिल गया यहाँ पर। मैं उधर से आ रहा था, मैंने ये पेट्रोल पंप देखा, अब खाली बोर्ड लगा पड़ा है, कहाँ है हमारा पेट्रोल पंप, 6 किलोमीटर दिखा था पीछे, 6 किलोमीटर आगे होगा। कितने सुंदर लग रहे हैं पहाड़ है ना, बिल्कुल ग्रीन यार। भाई आ गया आपका थियोग विलेज, THEOG OGOG। ये एक चौक है, कौन सा चौक है ये, रामपुर नारकंडा, देखो लिख रखा है उस पे राइट साइड जाने के लिए, तो यहाँ से राइट साइड जाना है, उस तरफ से आए थे भाई। यहाँ पर आ गया देवी मोड़, जय माता दी, माता दी के दर्शन करके हाथ जोड़ के और सब चलो भाई, बहुत बढ़िया चल रहा है। रास्ते में अभी बीच में एक जगह रुके थे कॉफी पीने के लिए, वहां से कॉफी पी के जस्ट अभी निकले हैं, और अभी भी 405 किलोमीटर है स्पीति, बहुत दूर है भाई बहुत दूर। देखो भाई क्या मस्त एप्पल फार्मिंग है, देखो सेब भी दिख रही तुम्हें लाल लाल मस्त एकदम, वाह
भाई गजब, बहुत मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। देखो भाई अपनी गाड़ी में ये भी दिखाता है कि हम अभी कितने एल्टीट्यूड पे, तो अभी 2410 मीटर पे हम, 2410 मीटर मतलब समझ रहे हो कितना हो गया। नजारा देखो ना, नजारा, वेट अ सेकंड, तो ये हो नजारा। जितनी भी आप ये पन्नी सी देख रहे हो ना, ये जाल सा देख रहे हो, देखो आप आगे तक दिखेंगे आपको, वहां लास्ट तक पूरी पहाड़ी पे देखो, ऐसे इस तरफ भी ऐसे ही, देखो वहां लास्ट तक एकदम ऊपर वाले ऊपर सेक्शन तक। नारकंडा का बोर्ड आ गया भाई, यहाँ से एंट्री है नारकंडा की, पुलिस चौकी नारकंडा। अरे वाह, ये भाई नारकंडा का मार्केट, और आगे आप देख पा रहे हो लिख रखा है रेकोंगपी 166, लेफ्ट साइड जाने का बता रहा होता है। साहब क्या लंबे लंबे पेड़ देख रहे हो, वैसे होते ये बहुत जबरदस्त है। मैंने पीछे पूछा था उस भाई से, एक ठेले वाले से, मैंने बोला भाई कौन से पेड़ है, वो कह रहा भाई चील और देवदार के पेड़ है। तो मैंने बोला चीड़ तो सुना था, चील क्या होती है, कह रहे भाई जो इतने ऊंचे जाते हैं ना जहाँ बाज पोस सकता है, चील पोस सकती है, तो कह रहे इसलिए भी चील वाले पेड़ कहते हैं। भाई पता ही नहीं कौन सी नॉलेज देगा भाई वो मेरे को। भाई सामने सूरज दिख रहा है, ये आ गया बारू बाग। और एक चीज और बता देता हूँ, नारकंडा है वो 8885 फीट के ऊपर है, और उनकी टोटल पॉपुलेशन 901 है, ओनली 901। और भाई साहब वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और एक चीज और, एक हाथू पीक करके एक जगह है, वो बहुत फेमस है, पूरे हिमालयन रेंजेस से घिरा हुआ है नारकंडा। और हाथू पीक वन ऑफ दी हाईएस्ट रीजन के अंदर सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कि 11182 या 85 फीट के ऊपर है भाई। स्पेशल गाड़ी रोक के दिखा रहा हूँ तुम्हारे को नजारा नदी का, ये देखो भाई साहब यहाँ पर कितनी बड़ी लग रही है ना, ओए होए होए, मजेदार एकदम। वहाँ जाके तो भाव कुछ ज़्यादा तेज तो हो रहा है, देखो यहाँ खड़ी कर दी अपनी गाड़ी। और अभी आपको एक जगह दिखाता हूँ, ये है होटल हरित करके, रेस्टोरेंट रूम। ये बेसिकली ये जगह कौन सी भाई प्रॉपर, मिथल, ये मिथल करके एक जगह आती है भाई, आप ऑन रोड हाईवे पे ही है ये जगह, ठीक है। हमने अंकल जी से बात करी, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे अंकल ओनर हैं, और उनके लड़के तो और भी अच्छे हैं। उन्होंने हमारे को एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, मतलब हमने उनसे पूछी थी क्या हम कैंपिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को एक जगह बताई है, देखो अगर आप लोगों को दिख रही हो तो इस तरफ से थोड़ा सा नीचे ना ग्रीन वैली करके है पूरा, और नीचे सतलुज रिवर जा रही है, बहुत सुंदर लगा, तो वहाँ हम अपनी कैंपिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये बोला कि कोई चार्ज नहीं चाहिए, बस आप अपना जो खाना पीना होगा ना वो अपना यहाँ से कर लेना, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना कैंप लगा सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये अंकल जी मिलेंगे आपको। अंकल जी थैंक यू सो मच, आपने हमारे को कैंपिंग के लिए प्रोवाइड करा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरीश सर केक है। मैं बिथल से बोल रहा हूँ, होटल हरीश से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अंकल। चलो भाई अब बाकी चीज़ आपको नीचे चल के दिखाते हैं। भाई यहाँ करिए अपनी गाड़ी खड़ी, ये अपना होटल था पूरा, ठीक है, और ये लोकेशन है कैंपिंग की भाई,
यहाँ आराम से कैंप कर सकते हो, बॉनफायर कर सकते हो, और वो बहरी सतलुज रिवर भाई देखो कितना मस्त, और भाई क्या नजारे हैं। अभी देखो सनसेट हो ही रहा है, हो ही गया, छुप गया अभी तो फिलहाल। अब फटाफट कैंप लगाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, वरना रात हो जाएगी ज्यादा लगाते मिलते हैं। भाई फाइनली अपना कैंप लग गया है, देख लो कैसा लगा। अभी थोड़ी एक आधी लाइट लगाई क्योंकि भाई यार काफी लेट हो गया, देखो अंधेरा हो रखा है बिल्कुल, गुप अंधेरा। और एक बात बताता हूँ, ये हमारा वॉशरूम भी इधर बगल में ही है, कहीं अगर हमें वॉशरूम की जरूरत पड़ी तो। बाकी मस्त लग रहा है टेंट एकदम, देखो वाह, ऊपर गाड़ी खड़ी है नीचे टेंट। तो भाई दो या तीन बंदे तो इसके अंदर सो सकते हैं, और एक अकेला बंदा उसके अंदर सोता है, जिसका मन करे वो सो सकता है, मैं तो सोऊंगा भाई इसके अंदर। और तो भाई फटाफट आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ, वरना ना मच्छर कूद जाएंगे इसमें। ये देखो ये तो हमारा पूरा बेड बन गया, यहाँ तकिया लगा दिया है, और ये हमारा ऊपर लैंप लग गया, वहाँ पर अपना कुछ मोबाइल वोबाइल रखने के लिए सारी चीज़ होगी। अब इसको बंद कर देता हूँ वरना मच्छर ही मच्छर हो जाएंगे सब कहीं, इसको बंद कर देता हूँ। हाँ एकदम बढ़िया है भाई, अंकल जी भी आ गए हैं, उनकी माता जी भी आ गई है देखने के लिए, और बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं। मतलब यकीन नहीं होता, कभी ऐसे होटल वाले भी कभी हमारे को मिलेंगे, ठीक है, फैमिली होती है ना, एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। तो भाई अब हम आ गए हैं वापस सोने के लिए अपने कैंप में, ठीक है। अब वीडियो यहीं करते हैं खत्म, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अब गाने चलेंगे और हम अपनी करेंगे मस्ती।